उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे खुशपाश होंगे अपने अपने घरों में सही सलामत ठीक ठाक होंगे का लास्ट डे था और हमारे गेस्ट भी आना कम हो गए थे तो हम सब कलीग्स ने सोचा कि एन सी ए में डिस्प्ले लगा हुआ है तो हम जाके वो देखाते हैं और जब हम वहाँ गए तो ये हुआ

लगभग शाम होने ही वाली थी और हमने सुबह से शोर बचाया हुआ था कि हम लोग एग्जिबिशन पे जाएंगे और हमारा प्रोग्राम तो स्पॉइल हो चुका था एज यू कैन सी कि हम आहिस्ता आहिस्ता डिसअपॉइंटमेंट के साथ चलते जा रहे थे और चलते ही जा रहे थे ये लाहौर म्यूजियम है और ये मेरी फेवरेट रोड है और साथ है जीसी यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी का ओल्ड कैंपस और वहाँ है अनारकली और उस तरफ भी और चलते चलते हमें पता चला कि स्टूडेंट्स के कुछ आर्ट वर्कस यहाँ भी डिस्प्लेड हैं मौके को हमने गनीमत जाना और जल्दी से चले गए हम इसके अंदर और यहाँ सब हमारे जैसे लोग आए हुए थे जो कि डिस्प्ले देखने आए थे लेकिन उनको डिस्प्ले देखने नहीं मिला खैर तो इस थे वर्क से हमने की बिस्मिल्ला काफी बड़े स्केल के कैनवसेस पे पैटर्न्स बने हुए थे लाइन्स के एज यू कैन सी और जो लोग डूडलिंग करते हैं या पैटर्न मेकिंग करते हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि इसके लिए कितनी सारी कंसनट्रेशन चाहिए और इसी तीसरी वक्त के कुछ एबस्ट्रैक्ट स्कल्पचर्स भी यहाँ पर डिस्प्ले किए गए थे और ये काम था इनका और इनका काफी काम सेल भी हुआ था क्योंकि यहाँ पर मार्ग था ऑलरेडी ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड और ये भी काम उन्हीं का था इनफैक्ट उनका इस पूरी गैलरी में काम डिस्प्लेड था और मुझे ये वाली सीरीज़ ज़्यादा पसंद आई थी क्योंकि यहाँ पर वैरायटी ऑफ कलर्स थे जो कि बाकी सबकी नस्बत ज़्यादा अट्रैक्टिव और आई कैची थे और फिर आता है ये वाला पोर्शन और हम यहाँ से शुरू करेंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स का बहुत अमेजिंग सा आर्टवर्क तो वीडियो को आपने स्किप किए बग़ैर सारा आर्टवर्क देखना है और मेरे साथ इन्जॉय करना है एक काम ये वाला था और एक गलती मैंने इस पूरी वीडियो और पूरे दिन में की थी और वो ये थी कि मैंने इन सब आर्टिस्ट का काम पढ़ा ही नहीं था क्योंकि ऑलरेडी वी वर वेरी टायर्ड और फिर मैंने बस काम को रिकॉर्ड किया एंड आई थॉट कि मैं बाद में इसको पढ़ूंगी और फिर उस पर व्लॉग कर लूँगी लेकिन द थिंग इज़ कि जो अनपढ़ों वाला व्लॉग बनाते हैं ना सब लोग मुझे तो वो बहुत बुरा लगता है तो दिस इज़ वट आई डिड मैंने भी यही किया तो मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया बट काम इतना अच्छा था कि मैं ये वीडियो पोस्ट करने वाली हूँ खैर तो बातों बातों में मैंने इतनी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स गुजार दी ये इम्पैसो टेक्निक में इतनी मजेदार थ्री डी पेंटिंग्स थी कि मेरा तो पर्सनली पे दिल आ गया था क्योंकि मैं भी इसी टेक्निक में काम करती हूँ लेकिन इतना ज्यादा हैवी काम नहीं करती लेकिन मेरा भी इसी तरह डायरेक्ट पेंट्स लगाना होता फिर कुछ ये काम था जो कि काफ़ी कन्सेपचुअल था और इसमें अब मैंने कोशिश की थी कि मैं इनकी जो डिस्क्रिप्शन है उसको कैप्चर कर लूँ ताकि मैं बाद में इसको पढ़ूँ लेकिन अब जब मैं इसको एडिट करी तो मुझे बिल्कुल भी पढ़ा नहीं जा रहा और इस वाले थीसिस को देख के मुझे रिग्रेट हो रहा है कि काश मैं इसको थोड़ा पढ़ लेती क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियस कर रहा है अब खैर तो ये जगह काफ़ी क्राउडेड थी एंड आई वाज फीलिंग सो अनकंफर्टेबल तो मैं अब जल्दी जल्दी आगे भाग गई एक थीसिस वर्क ये था और इसमें मेटल की शीट के ऊपर कुछ प्रिंट्स टाइप का बना हुआ था लाइक प्रिंटेड मेटल प्रिंटेड थी और कहीं कहीं इन्होंने उस काम के ऊपर जो है अक्रेलिक्स से पेंट किया हुआ था और वो काफ़ी मज़े का सा इफ़ेक्ट दे रहा था और जो लोग पेंटर नहीं थे वो उसको गेट नहीं कर पा रहे थे तो ये उनके लिए एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और गेम चेंजर टाइप का एलिमेंट था और मैंने लोगों को वैसे सुना भी था कि ये कौन से पेंट हैं जो इतना मेटालिक लग रहे हैं तो फिर कहते नहीं नहीं ये मेटल की शीट है तो उन्होंने कहा ये कलर आए कैसे तो मतलब मैं उनकी कॉन्वर्सेशन सुन के इंजॉय करी थी तो मैं कह थी कि यही महारत उस आर्टिस्ट की है जिसने इस पर काम किया है और बहुत मज़ेदार था तो आई हाईली अप्रिसिएटेड इट एज़ वेल तो ये था इनका काम और मुझे लगता है कि इन्होंने खुद को बनाया होगा और आर्टिस्ट का नाम था अहमद जेब खान और अगर कोई पढ़ना चाहे तो ये है उस काम की डिस्क्रिप्शन और एक काम ये था जो कि सेमी एब्स्ट्रैक्ट था ऑब्वियसली उसमें स्केपिंग्स की गई थी और इसका जो सबसे मज़े का आ, पिक पॉइंट ये था कि इसमें जो यूज़ हुआ हुआ था मटेरियल वो थ्री था मतलब शीट्स के ऊपर शीट्स लगा के उनको कलर करके उनमें लाइट्स ऐड कर दी गई थी और उससे यह था कि बहुत मजे का सा एक इफेक्ट लग रहा था और आप अगर उसको लाइव देखें तो वो ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था रादर देन मैं अब वीडियो में देख रही हूँ तो उतना ज्यादा नहीं लग रहा लेकिन पता चल रहा है कि वो क्या चीज़ इन्होंने बनाने की कोशिश की आपको इस काम में ना एक स्पेसिफिक मूवमेंट नज़र आती थी जैसे कि मतलब जाहिर है उस आर्टिस्ट ने उसको ख़ुद क्रिएट किया था जैसे कि ये काम देखें उसमें आते जाते लोग फील हो रहे हैं और ये वाला मुझे सबसे ज़्यादा मज़े का लग रहा है सा था और इसमें एक फिगर बनाया गया है जो कि बैक से विंडो की तरफ देख रहा है और ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा था अगला काम है जी मोमिना हसन का जिसका नेम प्रनाउंस करके मुझे तो अजीब ही लग रहा था क्योंकि आई एम मोमिना सर्वर खैर तो ये इनके आर्किटेक्चुर प्लान व्यूज़ थे फिर आता है जी वास्फा अयाज का काम और इसके इर्द गिर्द का जो क्राउड है ये तो आपको बता ही रहा होगा कि ये कितना पॉपुलर रहा चलिए तो अब मैं आपको ले चलती हूँ आयशा माहीन के काम की तरफ इनकी पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स जो हैं वो चाइल्डहुड के टॉयज से रिलेटेड थे उसमें क्ले वर्क्स और इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिली इनके काम में ये लेटर्स के जो स्कल्पचर्स इन्होंने बनाए हुए थे ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे थे वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा ना करने और इसको इंटरेस्टिंग रखने के लिए मैं यहाँ कर रही हूँ इसको एंड और हमें अभी बहुत सारे इंटरेस्टिंग काम एक साथ देखने हैं तो बने रहिए मेरे साथ क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में मैं और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग से काम लेके आ रही हूँ अभी के लिए मोमिना सरवर को दीजिए इजाज़त वीडियो पसंद आई तो लाइक करें कोई सवाल है तो कमेंट करें शेयर करना आपकी मर्जी और सब्सक्राइब करना तो बनता है थैंक यू सो मच कीप वॉचिंग कीप सपोर्टिंग अल्लाह हाफिज़